जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। एक बार फिर से सिंगरौली की इन सड़कों पर मानवता शर्मसार होती हुई नज़र आ रही है। जी हां, सिंगरौली की उन अत्यंत दुखदायी सड़कों पर फिर से कुछ निर्दोष लोगों की निर्ममता के साथ दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। समझ में नहीं आता कि इस सिंगरौली की सड़कों पर आखिर इतनी लापरवाही क्यों होती है। अभी दो दिन पहले छठ पूजा बीता और छठ पूजा में भी कलेक्टर महोदय का ये आदेश था कि ये कोल वाहनों को नहीं चलाया जाएगा, लेकिन फिर भी निरंतर कोल वाहन चलते रहे और उसी दौरान जो हमारे श्रद्धालु उनका इसी प्रकार की लापरवाही हम हमेशा देखते आ रहे हैं सिंगरौली की सड़कों पर। कि सिंगरौली की सड़कों पर आप फिर पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दुर्घटना हुई है। मेरे पीछे एक प्राइवेट बस है जो कि पर पाठक लिखा हुआ है और ये बस कहीं ना कहीं गोरबी से आ रही थी और सिंगरौली की ओर जा रही थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बस सीधा अनियंत्रित होकर के रोड से किनारे होकर के गड्ढे में जा चुकी है। अब आप सोचने वाली बात यह है कि सड़क की चौड़ाई आप देख सकते हैं, इन सड़कों की चौड़ाई, इन सड़कों पर जहां पर पशुओं का चलना भी अत्यंत दुखदायी है, जहां पर पशु भी नहीं चल सकते, ऐसी सड़कों पर आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, आम जनमानस चल रहे हैं, दोपहिया वाहन चल रहे हैं, इसके अलावा और भी कई लोग चल रहे हैं। देखा जाए तो हम लोग भी सड़कों पर कई बार रिपोर्टिंग करते हैं, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि मोरवा थाने से पुलिस प्रशासन की मदद हमें मिल पा रही है, मतलब ये यहाँ पर आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दो लोग थे, दो में से एक व्यक्ति की मौत उसी वक्त हो गई है और एक को इलाज के लिए भेजा जा चुका है। पर सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, सवाल यहाँ से शुरू होता है कि लगभग एक दशक से यहाँ पर लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। कोयले का परिवहन, कोयले के आप देख सकते हैं व्यापार बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जिस कोयले से पूरे सिंगरौली को ऊर्जा मिल रही है, पूरे सिंगरौली से नहीं पूरे देश को ऊर्जा मिल रही है, वहाँ के लोगों के लिए बारे में ना केंद्र सरकार सोच रही है, ना ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सोच रहे हैं, ना ही हमारे सिंगरौली के एनसिल प्रबंधन सोच रही है और ना ही प्रशासन इसके विषय में बहुत गंभीरता से विचार बना रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आम जनमानस की मौत, आम जनमानस का जो जिस तरीके से रास्ते पर चलना दुश्वार होता जा रहा है, ये देखने लायक नहीं है। और अगर देखा जाए सिंगरौली की सड़कें जितनी पतली हैं उससे कहीं ज़्यादा सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना हो रहा है, गाड़ियों का व्यापार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सैकड़ों की तादाद में सिंगरौली में मंगाई जाती हैं, सैकड़ों की तादाद में इनसे कोयले का परिवहन किया जाता है, लेकिन सड़कों के ऊपर में कोई भी नहीं सोच रहा, लोगों की सुरक्षा के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, लोगों की ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इन बसों की यदि बात की जाए, सभी लोग सवारी भर भर कर तेज़ी से जाते हैं, गाड़ी अनियंत्रित रहती हैं, गाड़ी की स्पीड पर किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं होता, किसी भी तरीके का सर्वेक्षण नहीं होता है। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि आरटीओ विभाग की बड़ी लापरवाही है, गाड़ियों की स्पीड नहीं है, गाड़ियों की स्पीड लिमिट नहीं तय है, गाड़ियों की ब्रेक लाइट बैक लाइट नहीं सही है, गाड़ियों की लाइट सही नहीं है, बड़ी बड़ी कोल वाहनें चलती हैं, एक एक लाइट पर चलती हैं, किसी का ब्रेक सही नहीं है। कई ऐसे ड्राइवर हैं जो 17 साल से नीचे पर हैं फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो आरटीओ परिवहन भी यहाँ पर बहुत बड़ा जिम्मेदार है इन सभी दुर्घटनाओं का। हम आपके साथ बने रहेंगे। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जयंत।